तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक आज का ये है कि आपने जैसे थंबनेल देख ही लिया है कि अगर आपको जयदेव की तरह यानी कि जयदेव कन्हैया की तरह वीडियोस को वायरल करना है अपनी, तो क्या मेथड हैं वो आजमाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपने टिकटॉक वीडियोज़ में और यूज़ करनी चाहिए अपने टिकटॉक के अंदर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक हो या फिर टेक्निकल मैं वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां देखने वाली बात है कि टिकटॉक पर जब भी आप कभी वीडियोस बनाते हो तो सबसे बड़ी चीज तो होती है टाइमिंग की, कि जो जिस टाइम में आप उसको पब्लिश कर रहे हो वो क्या सच है, क्या वो रियल टाइम है, क्या वो टाइम ऐसा है जिस टाइम पब्लिक आपको देख सकती है। यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों। तो अगर आप टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हो तो आप वीडियोस बना के उसको प्राइवेट कर लो टाइम, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस वक्त ज़्यादा पब्लिक होती है वो टाइम क्या होता है, जैसे कि सुबह का टाइम होता है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होता है वहाँ इंगेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि टिकटॉक पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, उस वक्त आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, दूसरा टाइम अगर मैं बात करूँ तो 12 बजे से 3 बजे के बीच आप अपनी वीडियोज़ को पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है। और अगर आप इन दोनों टाइमों पर बिज़ी हो यानी कि आपका शेड्यूल कहीं और है, आप वीडियोज़ नहीं बना पाते हो या फिर बनाने में लेट हो गए हो, और अगर वीडियोस नहीं आप पब्लिश कर पाए हो और अगर वीडियो आपकी प्राइवेट पर लगी हुई है, तो करना क्या है, आप सीधा शाम को आ जाओ। तो शाम में क्या टाइम है, शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी रात को 10 बजे से पहले पहले यानी कि 5 से 10 5 घंटे का टाइम मिल जाता है, और इस वक्त जो ट्रैफिक होता है वो टिकटॉक पर 90% ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू सुबह और दोपहर के टाइम में। तो दोस्तों अगर आप 5 बजे के बाद वीडियो पब्लिश करते हो तो आपको रैंकिंग भी अच्छी मिल सकती है, आपको यहाँ पे व्यूज भी अच्छे मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइक्स भी अच्छे मिल सकते हैं। इवन आपकी व्यूज़ जब अच्छे आएंगे तो लाइक्स ऑटोमेटिकली और फैंस ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, अब छोटा सा ध्यान देना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब वो ध्यान क्या है, जैसे मान लो जो टाइमिंग मैंने आपको बताया, अगर आप उस टाइम के अनुसार अपनी वीडियोज़ को पब्लिश कर रहे हो तो उसमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैग्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, आप सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, टैग्स तो हैं लेकिन उतने टैग डाल देते हैं लोग जितने की उसमें लिमिट है। यानी कि मान लो अगर डिस्क्रिप्शन में आपके 100 टैग डल सकते हैं, यानी कि अगर 10-12 टैग आप डाल सकते हो या फिर 5-10 टैग आप डाल सकते हो, उतनी ही लिमिट होती है, बाकी तो मना कर देता है वो, तो आप क्या करते हो, सारे टैग उसमें भर देते हो। तो सारे नहीं भरने यार, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि भसूड़ी सुनी है ना आपने, वो भसूड़ी भी हो जाती है। तो अगर आपका कई कंटेंट है ऐसा है जो एक गाना है, दो गाने से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है, तो आप 2 गाने डाल सकते हो। आपका स्लो मोशन है तो स्लो मोशन का टैग डाल सकते हो। इस तरह से 2 या 3 टैग ही डालो, ज़्यादा टैग आप डालोगे तो ज़्यादा टैग में वो घूम जाती है वीडियो, मतलब वो समझ भी नहीं पाती कि किस टैग के अंदर उसको शो आउट करना है या फिर किस टैग को देखने के लिए लोग ज़्यादा बैठे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली और भी है कि जो ट्रेंड अभी इस वक्त चल रहा है, आप उस ट्रेंड को वीडियोस बनाओ, उस ट्रेंड पर वीडियोस बनाओ, उस ट्रेंड पर काम करो, तो आपकी वीडियोस भी काफ़ी जल्दी पब्लिश हो सकती है, काफ़ी जल्दी व्यूज मिल सकते हैं, काफ़ी जल्दी आप भी वायरल हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साथ साथ ध्यान दी जानी चाहिए, जो कि दोस्तों अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो टिकटॉक के बाकी यूज़रों से काफ़ी अलग है, तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, क्योंकि उसको आप कभी भी इमीडिएटली आप उसको पब्लिश कर सकते हो। क्योंकि जब आप उसको पब्लिश करोगे तो आपका कंटेंट ऑलरेडी दुनिया देखने के लिए बैठी है। और टिकटॉक का जो रूल है वो रूल यही है कि आप जब वीडियोस डालते हो तो शुरू के जो 10 व्यूज़ होते हैं वो टिकटॉक अपनी तरफ से उसको पब्लिश करता है। अब जब 10 लोगों ने आपकी वो वीडियोस देख ली तो जाहिर सी बात है अगर उसमें 3 लाइक भी आपको दे देता है कोई, तो टिकटॉक फिर उसी एल्गोरिदम को आजमाता है और वो 10 से 100 व्यूज़ तक पहुँचाता है। तो जब वो 100 व्यूज़ में पहुंच जाती है वीडियोस और उस 100 व्यूज़ में आपको 10 से ज़्यादा लाइक्स मिल जाते हैं, तो टिकटॉक फिर उसी को करता है 200 व्यूज़ में, 300 व्यूज़ में, जैसे जैसे आपके लाइक्स मिलेंगे वैसे वैसे टिकटॉक उसको आगे पब्लिश करता और आगे बढ़ाता रहता है। तो काम आपका करना है, इसी तरह से ध्यान देने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और कोई कॉमेंट अगर आप करना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।